जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। आज दोस्तों हम प्रगतिवादी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपको हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य वाले नोट्स मंगवाना है तो ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है दोस्तों, ठीक है। और इस नंबर पर आप संपर्क करके ये नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर, ठीक है। जिन भी साथियों को मास्टर कैडर के मॉडल पेपर परचेज करना है तो आप 599 में मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये सभी साथी ऐप को डाउनलोड करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो दोस्तों ऐप है, इस पर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी का दोस्तों बढ़िया कोर्स बनाया गया है, है ना। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, आरएस 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं नाम मात्र में, है ना। तो टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, जिनको भी दोस्तों लाइव क्लासों से पढ़ना है, डेली टेस्ट लगाना है, है ना, और दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो आप इस 1500 वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी देर नहीं करना, जहां पर रिकॉर्डेड भी रहता है, लाइव क्लासें भी रहती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी साथी जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। आज अपन प्रगतिवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आपको बात बता है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी माने जाते हैं, ठीक है। और प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये तो आपको ही बताना है। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, एक बार शेयर भी कर दें अपने साथियों तक, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा शिप्रा जी? प्रगतिवाद की समय सीमा पूछी आपने एक नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला गया कि सर 1936 से लेकर के 1943 का जो काल है, ये प्रगतिवाद का काल है। यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर राइट है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, जल्दी से बताइए? 1935 में, 36 में, 38 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता है कि 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी दोस्तों लंदन में, है ना। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? 1936 में हुआ था, कहां पर? लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे इसके प्रेमचंद, यानी कि जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे, ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना। दूसरे अध्यक्ष के, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। अब यहां पर बताना, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? उस धारा को क्या कहा जाता है? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी कर देना दोस्तों अपने सभी मित्रों को। उसे प्रयोगवाद कहते हैं, उसे प्रगतिवाद कहते हैं, उसे समकालीन कविता कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी लोग चयन करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है कि सर मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में हुई है, उस काव्यधारा का नाम है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद यानी कि बी नंबर, बोले जो मार्क्स लगाएगा वो प्रगति करेगा। मार्क्स, अभी कोरोना में मार्क्स चल रहा था ना, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बता भी दिया है। तो चयन करिए सुमन जी, चेतन जी, बताइए यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की है, यानी कि जो प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ हुआ था दोस्तों, कब? 1936 में इसका वो सम्मेलन हुआ था, है ना, प्रथम सम्मेलन भारत में, तो ये 1936 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, है ना। और लखनऊ में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तब आपका उत्तर चला गया प्रेमचंद जी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, या फिर हरिवंश राय बच्चन हैं? पांच नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। देखते हैं कौन कौन बता रहा है दोस्तों, प्रगतिवादी कवि कौन माने जाते हैं। प्रगतिवादी कवि बताइए, जसमीर जी, सुनील तिवारी जी, अमन जी, सरिता जी, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि कौन है? प्रगतिवादी कवि कौन है? बहुत बढ़िया। प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं, केदारनाथ अग्रवाल, कौन माने जाते हैं प्रगतिवादी कवि? और सभी लोगों का आंसर बहुत ही अच्छा जा रहा है कि सर प्रगतिवादी कवि अगर आप पूछ रहे हो तो आप इसमें आंसर लगा देना,
केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल 1911 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं प्रगतिवाद के, ठीक है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव, या फिर उपर्युक्त सभी। 6 नंबर में प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ये आपको बिल्कुल, केदारनाथ अग्रवाल को कैन का कवि कहा जाता है। बहुत बढ़िया चेतन जी, है ना, बिल्कुल सही है। राकेश जी, दिव्या पाल जी, प्रेम कोरी जी, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? किसका योगदान है? प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 43 के युग को कहा जाता है बीनू जी। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, एक बार लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? किसका योगदान है, सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताया कि सर छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ये भी सही है। प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना, ये भी सही है। और मार्क्सवादी प्रभाव, ये भी सही है। यानी कि उत्तर चला गया कहां? डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो फटाक से, ठीक है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। ये पंक्तियां, पंक्तियों का संबंध बताइए किस काव्य धारा से है? अबे सुन बे गुलाब। प्रियंका जी बताइए, न्यू एकेडमी जी, नीलम जी, 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपका वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, 2 पार्ट में ये नोट्स हैं, आप मंगवा सकते हैं, विस्तृत अध्ययन वाले, ठीक है। और जिनको दोस्तों 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मंगवाना है, वो भी आप मंगवा सकते हो। 7 नंबर का प्रश्न है अभी सुन बे गुलाब, इसमें आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर चला गया कि सर ये प्रगतिवादी काव्य, ये आपको बी नंबर बिल्कुल सही है। अब ये सुन बे गुलाब, है ना, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये भी बता दो जल्दी से, है ना। सतरंगे पंखों वाली ये किसकी काव्य कृति, मैंने कई बार आपको याद भी करवाया, इसको ट्रिक भी बताई है मैंने, बताइए। अजय कुमार जी, मायाराम, सुमन जी, रश्मि पाठक जी, सतरंगे पंखों वाली ये काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही अच्छी काव्य कृति है, बहुत ही दोस्तों सरल प्रश्न है, लगभग सभी से बनेगा, तो चयन करिए और लाइक करिए एक बार। सतरंगे पंखों वाली को कौन खा गया? और सर नाग, नाग से क्या बनेगा? नागार्जुन। नागार्जुन याद रख लेना, इनका वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। 1911 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों नागार्जुन का, और प्रगतिवाद के बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि माने जाते हैं नागार्जुन, ठीक है। और इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है नागार्जुन को, ठीक है। ये सतरंगे पंखों वाली को कौन कहा गया? बोले नांग, तो नांग से क्या बनेगा? नागार्जुन, ठीक है। सी नंबर, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? 9 नंबर, जमुन जल तुम भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धूमिल हैं, शिव मंगल से सुमन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी। अनीता जी, माया राम जी, रोज सिंह जी, सुमन जी, गौरी जी, सरिता सरोज जी, जमुन जल तुम, जमुना का जल तुम, 9 नंबर का क्वेश्चन है ना। अपन ने पढ़ा था ना, हे मेरी तुम जमुन जल तुम, जमुन जल तुम, है ना। तो जमुन जल तुम या हे मेरी तुम, एक केदारनाथ बोले हे मेरी तुम कहाँ चली गई, बोले केदारनाथ चले गए, केदारनाथ। तो ये डी नंबर आपका सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार आपको बताना है। 10 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती या फिर रघुवीर सहाय। तो 10 का उत्तर बताना है, 10 नंबर का। और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर जन्म काल के अनुसार केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती और फिर कौन आएंगे? रघुवीर सहाय, ठीक है। तो यहां पर आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर, ठीक है। ये नंबर अपन को याद कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहां पर आ रहा है आपका क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है निशा वर्मा जी।
अस्मित जी ठाकुर बताइए, संगीता जी कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी नीरजा या फिर यशोधरा? राम कथा पर आधारित बताना है शिल्पा सिंह जी। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप दोस्तों केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए दोस्तों कोर्स लॉन्च किया गया है ना। इसमें आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है, ये 11 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर भूमिजा। भूमिजा यानी कि ये नंबर आपका सही है। इसके रचनाकार कौन है ये भी बता दो। भूमिजा बताओ ये किसकी रचना है, किसे आधुनिक कबीर कहा जाता है, आधुनिक काल का कबीर किसे कहा जाता है? जैसे अपन पढ़ते ना आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता, आधुनिक काल का तुलसीदास किसे कहा जाता, वैसे ही आधुनिक काल का कबीर किसे कहा जाता है ना। तो आपका उत्तर हो जाता है कि सर आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है किसे, नागार्जुन को। भूमिजा के रचनाकार बताइए, भूमिजा के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाता है कि सर नागार्जुन, है ना। यहां पर नागार्जुन यानी कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दो हमारे सभी साथी दोस्तों, ठीक है, सभी साथी लाइक कर देना। इतनी दोस्तों तबीयत भी खराब, उसके बाद भी रोज आपके लिए क्लास लाते हैं। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत कि हाँ सर वास्तव में मेहनत करते, प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन सरल हो या कठिन हो, है ना, उन्हीं सरल प्रश्नों के चक्कर में आपका सिलेक्शन रुक जाता है, मुझे पता है, ठीक है। तो आप सभी प्रैक्टिस करना है, और आज गले में भी बहुत खराश है दोस्तों, लेकिन क्लास आपके लिए कंटिन्यू क्लास चलती है ना। इसलिए लाइक बनता, अपने मित्रों को जरूर लेकर आए, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जोड़ें, है ना। पुरानी जूतियों का कोरस ये किसकी रचना है, मैंने ट्रिक भी आपको बताई है, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताइए दीपिका जी। पुरानी जूतियों का कोरस ये रचना किसकी है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, नागार्जुन की है या फिर केदारनाथ अग्रवाल? मैंने आपको बताया कभी कभी पुरानी जूतियां जूता जूतियां होती ना, तो जूता जूतियों में नांग घुस जाता है, नांग बैठ जाता है कभी कभी, है ना। तो पुरानी जूतियों का कोरस यानी कि ये जो रचना है ये रचना नागार्जुन की है, नागार्जुन ये नंबर, बहुत बढ़िया। फूल नहीं रंग बोलते हैं कहां पर, ये काव्य कृति बताइए, बताइए छवि जी, सतीश जी, सोनू जी, दिव्या जी, प्रमोद जी, राखी जी, सभी लोग बताएंगे 14 नंबर के क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक जरूर कर दो साथियों, एक बार जल्दी से लाइक कर देना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं ये जो कृति है ये कृति किसकी है, ये कृति किसकी है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सभी को पता है कि सर केदारनाथ जाके देखो वहां पर फूल नहीं फूलों के रंग बोलते हैं, है ना। ये डी नंबर सही है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था ये भी बता दो जल्दी से। नागार्जुन का जन्म तो मैंने कई बार आपको बताया है ना। जैसे मान के चलो एक नांग और एक नांग, ये दो नांग मिला के जन्म बना देते हैं नांग, है ना। तो बोले सर एक नांग मतलब एक और दो नांग मतलब क्या हो जाएगा, 11 11 यानी कि दोस्तों 1911, है ना। यहाँ पर याद कर लेना, ये नंबर आपका सही है। सॉनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है तो कौन है, 16 नंबर के क्वेश्चन में, संगीता जी बताओ। प्रेम जी लाइक कर देना, शेयर करो फटाफट से। सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है, त्रिलोचन है, श्रीकांत वर्मा, शमशेर है या फिर सर्वेश्वर है? 16 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लाइक जरूर करें और शेयर कर दो यहाँ पर। सोनेट के लिए कौन जाने जाते हैं, सोनेट रचना के लिए कौन जाने जाते हैं, आशु गोंडवाल जी? आपका उत्तर है कि सर त्रिलोचन शास्त्री। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। आपने नागार्जुन का वास्तविक नाम तो पढ़ा है कि सर वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था ये भी बता दो जल्दी से, ठीक है। किसे जनपदीय कवि कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जनपदीय कवि किसे कहा जाता है? 17 में बताइए, आनंद जी बताइए, बीना जी चयन करिए, लाइक तो बनता है। अनिल कुमार जी, आरती जी, भावना जी, गंगवार, पुष्पा देवी जी, 17 नंबर के क्वेश्चन में, दुर्गा जी, किसे जनपदीय कवि कहा जाता है? इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी साथी बताएंगे। वीडियो को लाइक भी कर देना, सभी साथी शेयर भी कर देंगे। नागार्जुन को, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती को किसे कहा जाता है, बताइए जनपदीय कवि किसे कहा जाता है 17 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर चला गया कि सर वो कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन को जनपदीय कवि कहा जाता है दोस्तों, आपका उत्तर ए है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। 17 नंबर के क्वेश्चन में नागार्जुन
ठीक है। नेक्स्ट है माटी की बरात, माटी की बरात, मिट्टी की बरात नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बरात, मिट्टी की बरात बताइए, चयन करिए। बीनू जी, रिया बादरा जी, मालती देवी जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर, सुनीता जी, रमेश जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर करना, रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों आपकी। और जिनको भी हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के विस्तृत नोट्स अपने घर पर मंगवाना है तो आप घर पर मंगवा सकते, संपर्क कर सकते दोस्तों आप हमसे, है ना। और दोस्तों जिनको एडमिशन लेना है सो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। मिट्टी की बरात नामक काव्य कृति किसकी है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो सभी का आंसर आना चाहिए 18 का। उत्तर उत्तर चला गया कि सर ए शिवमंगल सेन, सुमन लगा दो, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, शिवमंगल सेन सुमन। अजय खंडहर के रचनाकार कौन है? 19 में अजय खंडहर, शिवमंगल सेन सुमन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर धूमिल, अजय खंडहर इसके रचनाकार कौन है? पुष्पा जी, रुद्र जी, अजय जी, सभी लोग बताए अजय खंडहर, कई बार पढ़ा है अपन ने, बताइए अजय खंडहर के रचनाकार। और शेयर जरूर कर देना सभी साथी, नफीसा, सिद्दीकी जी, शिल्पा जी, रजनी बाला जी और अजय खंडहर ये इसके रचनाकार हैं। कौन? रांगे राघव, रांगे राघव है कि नहीं है? यानी कि आपका उत्तर चला जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर के क्वेश्चन में निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी है? कुकुरमुत्ता, बादल राग, बादल राग बताना है यहां पर। और यहां पर और भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों यहां पर, ठीक है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता है कि सर इनकी कुकुरमुत्ता हो या फिर बादल राग हो, इनका संबंध प्रगतिवाद से है, है ना। ये मार्क्सवादी रचनाएं मानी जाती हैं, बादल राग और कुकुरमुत्ता, ठीक है। तब आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर दोनों। अमोला के रचनाकार कौन है? 21 नंबर के क्वेश्चन में। जल्दी से लाइक कर देना साथियों, बिल्कुल कि बिना लाइक किए आपको रहना नहीं है। जब दोस्तों इतनी भी बहुत सारी परेशानियां हो और इतने भी बीमार होने के बाद भी आप लोगों की क्लास नहीं छूटती है, है ना, आप लोगों के लिए रोज निरंतर दोस्तों ये क्लास आती है। गला इतना खिंच रहा है कि बोलते भी नहीं बन रहा दोस्तों, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग अभ्यास करिए, है ना। ये अमोला, अमोला आपसे पूछा गया है, और अमोला केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या फिर रांगे राघव, 21 नंबर का क्वेश्चन है। और 21 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर हमारे जो लोचन है, मैंने आपको याद करवाया, लोचन मतलब आंखें, आंखें हमारी कैसी है? बोले अमोल है, आंखों के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, अमोल है हमारे लोचन, कैसे अमोल, तो त्रिलोचन, ये अमोला जो रचना है वो त्रिलोचन की है, त्रिलोचन, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, अमोल है हमारे लोचन। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कृति कौन सी है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम कृति बताना है। जगन जी बताइए, अजय वर्मा जी, बिंदु जी, वंदना जी, रेखा जी, सभी लोग बताएंगे, तेज प्रकाश जी, लखविंदर जी, प्रीति जी, रमेश यादव जी, है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिए। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कृति कौन सी है? प्रथम कृति बताना है। सुनील जी, कुलविंदर जी, नफीसा जी बताइए, विजय लक्ष्मी जी, जिया यादव, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? और सभी लोगों ने आंसर लगा दिया है, नीतू गुप्ता जी कि सर युग की गंगा, युग की गंगा कहाँ से निकली है? बोले सर केदारनाथ से, युग की गंगा केदारनाथ से, ठीक है। त्रिलोचन शास्त्री को उनके किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? त्रिलोचन जी को 23वें किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मैं सौंपता हूं, मिट्टी की बरात, ताप के ताए हुए दिन या फिर गीत गंगा, बताइए। राजरानी जी, रिया जी, नीलम जी, त्रिलोचन शास्त्री को उनके किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, और देखते हैं 23 नंबर में आप क्या उत्तर लगा पाते हो। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? त्रिलोचन जी को, बहुत बढ़िया आंसर लगा। मिट्टी की बरात के लिए मिला क्या? नहीं मिला मिट्टी की बरात के लिए, तो मिट्टी की बरात के लिए तो शिवमंगल सेन सुमन को मिला है। एक रचना मिट्टी की बरात शिवमंगल सेन सुमन की भी है, और एक मिट्टी की बरात त्रिलोचन शास्त्री की भी है, लेकिन मिट्टी की बरात जो शिवमंगल सेन सुमन की रचना है उसको दोस्तों क्या मिला है उनके लिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन त्रिलोचन के लिए मिला है ताप के ताए हुए दिन के लिए, ताप के ताए हुए दिन के लिए मिला सी नंबर में। कोई बताएगा कब मिला है इनको? बताओ आनंद जी बताइए, ताप के ताए हुए दिन को कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? उसके बाद यहां पर पंचाली आएगा, पांचाली काव्य संग्रह
ये किसने लिखा है? पांचाली काव्य संग्रह बताना 24 नंबर के क्वेश्चन में, नागार्जुन ने, त्रिलोचन, रांगे राघव या फिर शिवमंगल सेन सोमन ने? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, पांचाली। पांचाली दोस्तों एक आपको बता है कि एक बोली का भी अन्य नाम है, कन्नौजी का एक अन्य नाम पांचाली भी है। आपको पता है कन्नौज का प्राचीन में नाम था पांचाल, और पांचाल में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाती है? पांचाली कहलाती है, ठीक है। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पांचाली काव्य संग्रह ये किसने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है, त्रिलोचन ने लिखा है, रांगे राघव या फिर शिव मंगल से हैं सुमन ने लिखा है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर ये रांगे राघव, आप सही नंबर लगा देना, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर। पांचाली काव्य संग्रह किसने लिखा? रांगे राघव ने लिखा, ठीक है। उसके बाद सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? 25 नंबर का क्वेश्चन, सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सेन सुमन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन? सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचनाकार कौन है बताइए? निशा वर्मा, राजीव मौर्य जी, पार्वती जी, राधिका जी, विनोद जी, सिंदूर तिलकित भाल। और मैंने आपको कई बार बताया 25 नंबर के क्वेश्चन में, और 25 का उत्तर क्या जा रहा है देखते हैं। उत्तर चला गया कि सर सिंदूर तिलकित भाल के रचनाकार है नागार्जुन, यानी कि आपका जो डी नंबर है नागार्जुन बिल्कुल सही है, नागार्जुन राइट आंसर है। दिगंत सोनेट किसने लिखा? दिगंत, दिगंत के रचनाकार कौन है? 26, दिगंत के रचनाकार, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है शिव कुमार जी, दिगंत, दिगंत बताना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। राजीव जी, रमेश जी, प्रीति जी, विजय गुप्ता जी, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने साथियों तक। दिगंत के रचनाकार कौन है? एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और शेयर कर दीजिए दोस्तों। दिगंत के रचनाकार अज्ञेय जी हैं, रांगे राघव या फिर त्रिलोचन, कौन माने जाते हैं दिगंत? और दिगंत में सभी लोग आंसर बता रहे हैं 26 नंबर के क्वेश्चन में कि सर ये जो रचना है दिगंत ये त्रिलोचन जी की है, वासुदेव सिंह की है, यानी कि सी नंबर आपका सही है। वर्ग संघर्ष और वर्गीय विषमता किस युग की विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन रीता जी, भावना जी, वर्ग संघर्ष और वर्गीय विषमता एक किस युग की विशेषता मानी जाती है? छायावाद की मानी जाती है, प्रगतिवाद की मानी जाती है, प्रयोगवाद या फिर नई कविता की मानी जाती है? वर्ग संघर्ष और वर्गीय विषमता किस युग की विशेषता है? 27 नंबर के क्वेश्चन में, 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है वर्ग संघर्ष और वर्गीय विषमता किस युग की विशेषता है? प्रगतिवाद की है वर्ग संघर्ष या फिर वर्गीय विषमता? सभी लोग 27 नंबर के क्वेश्चन में बताएंगे, और आपका उत्तर चला गया कि सर ये प्रगतिवाद, यानी बी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन सी है? प्रथम प्रगतिवादी रचना बताना है। बताइए जल्दी से, बस खड़ी बोली की प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन सी है? खड़ी बोली की, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी, शेयर कर दें दोस्तों। जिनको भी एडमिशन लेना है बिल्कुल भी देर नहीं करना है, एडमिशन ले लेना है। खड़ी बोली की प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन सी है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, और 28 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर वो रचना है कौन सी? युगवाणी, युगवाणी है। रचना काल बताइए इसका, रचना काल क्या है युगवाणी का, है ना? युगवाणी और ग्राम्या, ये दोस्तों पंथ की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। रचना काल बताइए युगवाणी का, कौन प्रगतिवादी नहीं है? प्रगतिवादी कभी कौन नहीं है बताओ? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर या फिर त्रिलोचन? प्रगतिवादी कौन नहीं है? प्रगतिवादी कौन नहीं है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। मंजू जी, प्रीति तिवारी, राखी जी, पूजा जी, राजीव मौर्य जी, विजय जी, प्रगतिवादी कौन नहीं है? प्रगतिवादी कौन नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक करिए जल्दी से। प्रगतिवादी कौन नहीं है 29 नंबर के क्वेश्चन में? 29 में उत्तर जा रहा है कि सर कौन नहीं है प्रगतिवादी? नागार्जुन तो है, केदारनाथ है, त्रिलोचन भी है, लेकिन ये शमशेर बहादुर नहीं है प्रगतिवादी, ठीक है।
ये किस सप्तक से संबंधित है ये बता दो। शमशेर बहादुर जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, ये किस सप्तक से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर बता पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है, किसने की ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन बताना है। 30 नंबर का क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या उत्तर लगाओगे। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर में बर्टेंड रसेल ने की, ई एफ फास्टर ने, किसने की थी। और बहुत बढ़िया आंसर है कि सर ये जो स्थापना की थी ये की थी किसने, ई एफ फास्टर ने, फास्टर ने की थी। बोले फास्ट प्रोग्रेसिव करना है अपन को, फास्ट करना है तो फास्टर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है ना। अगला है, पंत की किस रचना से प्रगतिवाद का अंत माना गया। पंत की कौन सी रचना से, पंत की वो रचना कौन सी है प्रियंका जी, मंजू जी, पंत सुमित्रानंदन पंत जिनका जन्म 1900 में हुआ था, कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था, प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। इनकी रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है दोस्तों। और पंत के बारे में बात करें तो पंत की किस रचना के लिए नंद दुलारी वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। और आपको पता है इनकी रचना है युगांत जो कि 1936 की रचना है दोस्तों। इसके माध्यम से इन्होंने दोस्तों कह के सॉरी प्रगतिवाद का अंत पूछा है, प्रगतिवाद का अंत पूछा दोस्तों। फिर यहां पर अपन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और आपका उत्तर है ग्राम्या। ठीक है, ये छायावाद का नहीं दोस्तों, ये छायावाद का नहीं, यही अगर क्वेश्चन आ जाए तो आधे लोग गलत कर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों। छायावाद का अंत हुआ युगांत से, लेकिन प्रगतिवाद का अंत माना जाता है ग्राम्या से। कल भी ये क्वेश्चन आया था तब भी बहुत सारे लोगों ने गलत लगा दिया था, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ग्राम्या से प्रगतिवाद के अंत माना जाता है और युगांत से छायावाद का अंत माना जाता है दोस्तों। ठीक है, बसंती हवा कविता किसने लिखी है, बसंती हवा बताइए। नीलम जी, कार्तिक जी, राजीव जी, सभी बताएं, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। बसंती हवा कविता किसने लिखी है, दारसु जी वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। 32 का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं और आंसर क्या हो रहा है। आंसर दारसु जी, बिंदु जी बताइए, रश्मि जी, तनु जी, बसंती हवा कविता किसने लिखी 32 नंबर के क्वेश्चन में। और बसंती हवा बीएड एग्जाम में पूछा गया था, बहुत बढ़िया, बसंती हवा बीएड में है तो आपका उत्तर है कि सर ये बसंती हवा हूं, हवा हूं, बसंती हवा हूं, है ना। 32 नंबर के क्वेश्चन में ये केदारनाथ अग्रवाल 1911 में जन्म हुआ था, केन का कवि ने कहा जाता है, कटीली प्रकृति के राजकुमार कहे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कटीली प्रकृति के, बहुत बढ़िया, कटीली प्रकृति के राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, और वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, इतना बढ़िया सेशन अपना चलता है। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य पद्य साहित्य वाले नोट्स मंगवाना है, आप सभी साथी नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों, है ना। और जिनको एडमिशन लेना है सो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन, एक नॉर्मल फीस, सबसे कम फीस में आप एक साल की वैलिडिटी, रोज डेली 100 प्रश्नों का टेस्ट भी होता है। कटीली प्रकृति के राजकुमार कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं, 33 नंबर के क्वेश्चन में। और 33 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर चला गया कि सर कटीली प्रकृति के राजकुमार कहे जाते केदारनाथ अग्रवाल। कटीली अपन को याद करना है ना, कहें केदार खरी खरी ये पंक्ति बताना है। ये 34 नंबर का क्वेश्चन, आपको पता है दोस्तों डॉलर के प्रति खतरे को राजनेताओं को आगाह किया गया है इस कविता में, कहें केदार खरी खरी ये पंक्ति बताना है। उर्मिला जी बताइए, केदारनाथ सह, केदारनाथ पांडे, केदारनाथ झा या फिर केदारनाथ अग्रवाल, बहुत ही बढ़िया। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कहें केदार खरी खरी, जल्दी से फटाफट से। और उत्तर चला गया कि सर कहें केदार करी करिए केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, अगला है, किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है, किस रचना में है। 35 नंबर के क्वेश्चन में किस रचना में है, 35 का उत्तर बताना है। तो यहां पर दो ऑप्शन आपको, एक तो प्रलय सृजन, दूसरा ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं दोस्तों, ये है सबका अपना आकाश,
या फिर अजय खंडहर। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं 35 में कि सर ये जो अजय खंडहर है, कि अजय खंडहर यानी कि आपका जो डी नंबर है ये बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहां पर, क्वेश्चन क्या है देख लो थोड़ा सा एक बार, स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन किस में किया गया। ठीक है, तो अजय खंडहर आपका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला है दोस्तों, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्रेरण खोकर, ये पंक्ति, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, शमशेर बहादुर, केदारनाथ, त्रिलोचन या फिर धूमिल, ये किसकी रचना है, सभी लोग बताइए। लखविंदर जी, सुनैना जी, रश्मि जी, राजीव जी बताइए, राजीव मूर जी, अभिषेक जी बताइए। और दोस्तों जिनको भी हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बाई पोस्ट आपके घर भिजवाए जाएंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 36 का उत्तर बताना है और उत्तर चला गया कि सर ये बाप बेटा बेचता है, यानी कि ये पंक्ति भी केदारनाथ अग्रवाल की है दोस्तों। बी नंबर, याद आता मुझे अपना तराउनी गांव, याद आती लीचियां और आम, ये पंक्ति 37 नंबर का क्वेश्चन बताइए। 37 नंबर में प्रियंका जी, मुकनंद जी चयन करिए, उत्कर्ष सिंह जी, 37 का आंसर क्या हो जाएगा। शेयर तो बनता है साथियों, शेयर भी जरूर करना और लाइक भी बिना लाइक किए हुए नहीं जाना यार दोस्तों। ठीक है, इतना बढ़िया सेशन अपना चलता है, एक भरपूर क्लास आपको दोस्तों यहां पर दी जा रही है, टॉपिक वाइज अध्ययन आपको करवाया जा रहा है, या बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, है ना। तो अब इतना तो आपका बनता है कि हम लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक आदि, इंस्टाग्राम आदि पर एक आध बार लिंक भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, कि जब आप के सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं एक बार शेयर और लाइक तो आपका बनता ही है दोस्तों, ग्रुप में शेयर कर दिया करो, इतने सारे ग्रुपों से आप जुड़े होंगे फेसबुक में, है ना। तो 37 का उत्तर आपका यहां पर बताना है, किसी ना किसी व्यक्ति का भला हो जाएगा। 37 का घा, याद आती मुझे अपना तराउनी गांव, ये नागार्जुन की पंक्ति है, नागार्जुन यानी कि आपका जो डी नंबर है बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आंदोलन कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर चला, सामाजिक यथार्थवाद को लेकर कौन सा आंदोलन चला है बताइए। लखविंदर जी, राखी जी चयन करो, सरोज जी विद सिवी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, 570 लोग देख रहे हैं, अगर इस वीडियो की लिंक को अपनी फेसबुक आईडी पर एक बार शेयर कर दें सभी साथी, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा दोस्तों, है ना, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का परिवार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आशुतोष जी बिल्कुल आपका नाम ले लिया है ना। तो यहां पर एक बार आप शेयर जरूर करना है दोस्तों, फेसबुक पेज में या फेसबुक ग्रुपों में भी आप लोग शेयर किया करें, है ना, ताकि इस परिवार को और बढ़ाया जा सके दोस्तों, और भी डबल उत्साह से हम आपको पढ़ाएं, ऐसा अगर आप चाहते हो तो इस परिवार को आपको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। तो यहां पर आपका उत्तर प्रगति बात सही हो जाएगा, डी नंबर। नेवला किसकी रचना है, नेवला आपने देखे होंगे दोस्तों। अभिषेक जी बताइए, उत्कर्ष जी, पार्वती जी, विकास जी, भावना गंगवार, 39 नंबर का क्वेश्चन है, नेवला किसकी रचना है, नेवला किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना। धीरज जी, सुमन जी, राजीव जी, तनु जी, नेवला के रचनाकार कौन है, नेवला यानी कि 39 नंबर का क्वेश्चन है। और बोले सर नेवला को तो हमने अपने लोचन से देखा है, नेवला को कैसे देखा है, लोचन से। ठीक है, तो लोचन से देखा है तो आपको लोचन याद कर लेना, नेवला को हमने लोचन से देखा है, तो सी नंबर आपका सही है, लोचन। ठीक है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूं उस रवि का, पंक्ति किसकी है, उस रवि का, 40 नंबर का क्वेश्चन है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूं उस रवि का। मान के चलो कि अगर आपकी एक क्लास लगी है, ये पूरी क्लास लगी है दोस्तों यहां पर, है ना, और आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे बहुत थक गए हो, अगर यहां से एक नांग आ जाए ऐसे, अब बताओ कि आप यहां बैठे रहोगे क्या, बिल्कुल भी, कितने हताश हो, कितने थके हो, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी पता नहीं कहां से। तो बोले जन जन में मैं ऊर्जा भर दूं, बोले वो कौन है, बोले वो नांग देवता, नांग आ तो जाए कहीं से, ऊर्जा तो अपने आप आ जाएगी, ए नंबर। ठीक है, नागार्जुन का वास्तविक नाम बताना, 41 में वास्तविक नाम क्या था। काव्या जी बताइए, गुरप्रीत जी, साधना यादव जी, मंजू जी,
नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। जिनको भी नोट्स मंगवाना है या एडमिशन लेना, आप लोग संपर्क जरूर करें, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहां पर नागार्जुन का वास्तविक नाम तो उत्तर है बोरेश्वर वैद्यनाथ मिश्र है, ठीक है? और रसा नाम से दोस्तों, रसा उपनाम से भारतेंदु जी लिखते थे, ठीक है? सुदामा पांडे धूमिल आपको पता ही है। यात्री नाम से कौन लिखता था मैथिली में? यात्री नाम से कौन लिखता था बताओ? यात्री नाम से, तो आपको पता है कि सर नागार्जुन मैथिली में लिखते थे, यात्री नाम से लिखते थे, ठीक है? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, है ना? इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब इनका नाम क्या हो गया? नागार्जुन हो गया, ठीक है? उसके बाद यहां पर आते प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है? कि लेख किसने लिखा है? बिमलेश कुमारी जी, भावना जी, वंदना जी, विश्वास मलिक जी, लखविंदर जी बताइए, सुमन जी, सरोज बित सिबी जी। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक जो लेख है वो किसने लिखा है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी लोग शेयर कर दे दोस्तों, इस मैराथन क्लास से आपको रोज जुड़ना है, रोज अध्ययन करना है। इतना बढ़िया अध्ययन कि आप सभी साथी बेस्ट से बेस्ट दोस्तों अध्ययन प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, ताकि आपके क्वेश्चन जो है गलत ना हो। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता इस लेख के, जो लेख है वो किसने लिखा है? 42 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर ये लिखा है किसने? प्रगतिशील लेखक, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, सभी लोग बताएंगे प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये जो लेख है वो किसने लिखा? और आपका उत्तर हो गया शिवदान सिंह चौहान, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। बहुत बढ़िया। अगला देखो, माजी ना बजाओ बंसी, जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दो। जल्दी से बताना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। और आपका उत्तर क्या जा रहा है? 43 नंबर का क्वेश्चन है, 43 नंबर के क्वेश्चन में बताना है माझी ना बजाओ बंसी, माझी ना बजाओ बंसी शीर्षक कविता ये किसकी है? 43 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो पंक्ति ली गई है वो ली गई है फूल नहीं रंग बोलते हैं, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है? बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर आ रहा है, घुन खा एक सह तीरों पर, 12 खड़ी विधाता पांचे, 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए, घुन खा एक सह तीरों पर, 12 खड़ी विधाता पांचे, ये जल्दी से बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दो, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट। उन खाए सह तीरों के 44 का ये कई बार दोस्तों अपन ने पढ़ा है 44 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर चला गया कि सर ये घुन खाए सह तीर पंक्ति है नागार्जुन की, ये नंबर है ना, बिस्तर बिस्तर पर बिस्तुया नाचे, ऐसा कुछ पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बताओ किसके पास? 45 नंबर का क्वेश्चन है, 45 नंबर के क्वेश्चन में बताना। मैंने एक कहानी आपको बताई थी इससे संबंधित, पंक्ति जब आपको याद करवाई थी कि एक था नांग दोस्तों, है ना, एक नांग था और एक थी कुतिया, ठीक है? और ये नांग क्या हो गया? नांग बोले खत्म हो गया, ठीक है? तब ये जो कुतिया है ना, एक कानी कुतिया, ये उसी के पास सोती रही। मित्रता तो मित्रता होती है ना, तो ये याद रखने, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, किसके पास? बोले नांग, तो नांग से क्या बनेगा? नागार्जुन, डी नंबर, बहुत बढ़िया। प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? 46 नंबर के क्वेश्चन में है ना, लाइक जरूर कर देना है दोस्तों, है ना, और शेयर करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाने में आपका बहुत ही महत्व मदद होनी चाहिए दोस्तों। सुरजीत यादव जी, प्रगतिवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? निम्न वर्ग शोषित का चित्रण,
कल्पना की प्रचुरता, वास्तविकता का यथार्थ चित्रण या फिर क्रांति की भावना। तो बताइए क्या बताएंगे आप लोग सही, अनिल कुमार जी, सरोज जी, मंजू जी, तारसू जी, रश्मि जी, सही आंसर देखो। आपको बताएगी सर निम्न वर्ग शोषित का चित्रण तो किया गया, वास्तविकता का यथार्थ चित्रण है, क्रांति की भावना भी, लेकिन कल्पना की प्रचुरता नहीं है। बी नंबर, बी नंबर आपका सही है। यात्री उपनाम से कविता कौन करता था, यात्री उपनाम से बताइए, यात्री नागार्जुन, त्रिलोचन धूमिल या फिर शिवमंगल से सुमन, अजय वर्मा जी, मनीषा जी, बताइए यात्री उपनाम से कविता कौन करता था, यात्री उपनाम। 47 नंबर का क्वेश्चन है और सभी को पता है कि सर यात्री उपनाम से लिखते थे मैथिली में नागार्जुन, ये नंबर सही। इस अकाल बेला में काव्य संग्रह किसका, इस अकाल बेला में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 48 नंबर के क्वेश्चन में, 48 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग बताएं इस अकाल बेला में एक काव्य संग्रह किसका है। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, नीचे लिंक भी दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हो सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। प्रीति चौधरी जी, जसमील जी, और मात्र 1500 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, मात्र 1500 रुपये में, ठीक है। तो इस अकाल बेला में काव्य संग्रह किसका है, ये है रामविलास शर्मा का, रामविलास शर्मा जो कि मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं, ठीक है। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जिनको भी दोस्तों ये वाला जो ऐप है, ये ऐप डाउनलोड कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ये वाला ऐप सर्च करना सेल्फ स्टडी क्लासेस, पूरा सर्च करना है, ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी का ये वाला कोर्स आपको 1500 रुपये में परचेस कर लेना ऐप में जाके, जिनको भी परचेस करना है, जिनको भी बहुत ही विस्तृत अध्ययन करना है दोस्तों, पढ़ना है निरंतर। और मैंने आपको कई बार बोला कि एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए राजीव जी, है ना जी, पढ़ाई तो निरंतर चलनी चाहिए। जगन जी, लखविंदर रवि जी, ठीक है, प्रेम कोरी जी, वंदना जी, रोज सिंह जी, इट्स आर एच, अभिषेक जी, कार्तिक जी, अनुराग जी, श्याम पंडित जी, सीमा शुक्ला जी, तनु जी, गुरप्रीत जी, संगीता जी, पुष्पा जी, मनीषा गिल जी, राजीव जी, जिया जी, प्रियंका जी, प्रेम जी, आनंद जी, आरती जी, नफीसा जी, बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। रवि शंकर जी, मीनू जी, ठीक है, दीपिका जी, दीपिका, श्वेता जी, वंदना, नीलम, संदीप जी, मधु जी, श्वेता जी, संगीता जी, ठीक है, रौनक जी, अनुराग जी, दारसु, विनोद, शिल्पा जी, रंजीत जी, मनीषा जी, नीलम, आर्यन जी, आर्यन, गुरप्रीत जी, अनीता जी, अनीता, ठीक है, अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, है ना। उत्तर पढ़ते रहें और दोस्तों इसी प्रकार से लिखते रहें, ठीक है। अरुण जी, कमलाकांत, रवि जी, सुरजीत जी, नीलम, सुभाष जी, बिंदु लता जी, रंजीत जी, रवि गुप्ता जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, परमिंदर कौर जी, बिल्कुल, अभिषेक जी, है ना। और अध्ययन करते रहे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। रवि गुप्ता, किरण जी और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिमलेश जी, शेयर जरूर किया करें दोस्तों, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी में आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी सेल्फ स्टडी क्लासेस की, और दोस्तों आप लोगों का ये परिवार भी बढ़ जाएगा, है ना। तो आप लोग भी दोस्तों कर सकते हैं, जब हम इतनी शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, तो आप लोगों का भी थोड़ा बहुत कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी इस सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बढ़ाने में हमेशा मदद करें, ठीक है। सभी को धन्यवाद, संजय जी, है ना, नागेंद्र जी, अजय जी, आरती जी, राज जी, ठीक है, राजीव जी, जसमेर जी, सभी को धन्यवाद।